नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा ठक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बेलडोना के बारे में, जो कि बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। तो हम जानेंगे कि भाई कैसे हमारी ऑल ओवर बॉडी पे ये काम करती है, अलग अलग बॉडी मतलब हिस्से में कैसे कैसे इसका काम है, और जानेंगे इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेलडोना बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये हमारी ऑल ओवर बॉडी पे बहुत अच्छा काम करती है, और अच्छे रिजल्ट्स भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। जैसे कि अगर हमें फीवर हो जाए या पेट में दर्द हो, एक्यूट प्रॉब्लम्स पे तो ये बहुत अच्छा, मतलब इसका क्विक रिस्पॉन्स है जैसे हम कहते हैं, बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है इसका, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और सबसे बड़ी बात तो होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे राइट साइड की बॉडी पे होता है। तो जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या हमारे कोई भी एनी पार्ट में प्रॉब्लम हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, नोज़ के सिम्टम हो, तो बहुत अच्छा ये वर्क करती है। अगर जैसे कि स्किन के ऊपर रेडनेस से आ जाती है, तो उस रेडनेस को भी कम करती है। और पेन अगर हमें बहुत ज़्यादा हो, कहीं पर भी हो, हमारे सिर में दर्द हो या हमारी आइज़ में पेन हो, तो बेलडोना का असर बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है। और सबसे मेन इसका पॉइंट है कि जैसे कि हीटनेस बहुत ज़्यादा होती है स्किन में, हमारी हीटनेस बहुत ज़्यादा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा गर्म गर्म सा लगेगा और हमारी स्किन बहुत रेडनेस सी हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ दिखे तो बेलडोना का यूज़ ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पूरी बॉडी में अगर आपको हीटनेस हो रही हो, कहीं पर भी, हाथों में, पैरों में, कहीं ऑल ओवर बॉडी पे कुछ भी ऐसा हीटनेस सा हो रहा हो, बर्निंग सा हो रहा हो, जलन सी हो रही हो, जैसे कि हम काम कर रहे हो, काम करते करते जो है बर्तन, गर्म बर्तन लग जाता हो, रेडनेस सी हो जाती हो, तो बेलडोना का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये जलन को कम करती है और बर्निंग सेंसेशन को कम करती है, तो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये, बहुत अच्छी है। और जैसे कि इसका माइंड सिम्टम ये है कि जैसे कि लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, और तो उनके ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क करती है कि भी वैसे तो नॉर्मल बैठे हों, लेकिन अगर हमने उनको कुछ कह दिया तो बस सेंसिटिव नेचर है तो रोना शुरू हो गया, तो ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे बच्चे नॉर्मली बैठे होते हैं और उनको छेड़ दिया तो इरिटेशन हो जाती है उनको, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा इस मेडिसिन का वर्क है। और स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाना, सूखी स्किन हो जाना, और उस जगह पे स्वेलिंग हो जाना, हीटनेस हो जाना, तो ये बहुत अच्छा जो है वर्क करती है। और जैसे पेट खराब हो जाना, लूज मोशन बहुत ज़्यादा होना, तो उसमें भी जैसे दर्द को भी कम करती है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन के इन्फेक्शन को भी दूर करती है। और सबसे ज़्यादा तो इसका अच्छा रिज़ल्ट उसमें है कि भी जैसे कि एक्यूट प्रॉब्लम्स को ये जल्दी से जल्दी ठीक करती है। अगर एकदम से तेज हमें दर्द हो रहा हो, तो धीरे धीरे आपका पेन कम हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन आपकी कम हो जाएगी, हीटनेस के लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे जो हेडेक में ये कैसे वर्क करती है। जैसे कि अगर हमारे फेस पे पूरा रेडनेस आ जाए, और हमारे सिर में जो है नसें जैसे एकदम से सूजन आ जाए, दर्द एकदम से बर्दाश्त नहीं हो, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। फीवर में भी जो है बहुत अच्छा इसका वर्क है। जैसे कि अगर हम इसके सिम्टम्स ये हैं कि भी जैसे हम करवट ले के सोना पसंद करते हैं, और हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना आता है एकदम से गरम गरम पसीना, कई लोगों को ठंडा पसीना आता है, जैसे पसीना आया एकदम से ठंड सी लगने लगी, कईयों को ऐसे होता है कि भी गर्मी सी लगने लगी, तो इसमें जो है पसीना जो है गर्म आता है, और पसीना पूरी ऑल ओवर बॉडी में आता है, जैसे कि पेट पे, छाती पे, जैसे एकदम से गरम गरम सा लगता है हमें, और आँखें एकदम से रेडनेस सी हो जाती हैं, फेस पे पूरा रेडनेस हो जाता है, तो इस मेडिसिन का आप यूज़ कीजिए। और खांसी भी अगर बहुत ज़्यादा आ रही है और रेडनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब बलगम में खून जैसा आ रहा है, या सूखी खांसी भी हो रही है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क है इसका। और जैसे फोड़ा हो जाता है, बाल तोड़ हो जाता है, छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और गरम गरम सा उसके ऊपर फील होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये,
दर्द के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। ये दर्द को बहुत जल्दी कम करती है धीरे धीरे। अगर मान लीजिए आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस मेडिसिन को 1-1 घंटे भी रिपीट कीजिए, आप देखेंगे आपकी दर्द में भी कमी महसूस होने लग जाएगी। और पेन बहुत ज़्यादा होता है या गर्म गर्म सा फील होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सूजन आ जाती है या हमारे स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये पेन को बहुत जल्दी ख़त्म करती है। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, 1-1 घंटे पर अगर इस मेडिसिन का आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी और इसके अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों ये एक्यूट मेडिसिन है। एक्यूट प्रॉब्लम अगर आपको हो जाए, फीवर हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। 2-2 ड्रॉप्स आप इसको दिन में 4 बार लीजिए। और अगर जैसे कि अगर आपको फोड़ा हो गया हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1-1 घंटे पे आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। 1-1 घंटे पे आपने कम से कम नहीं तो 3-4 बार इस मेडिसिन को ले लेना है। फीवर की प्रॉब्लम हो, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो, दर्द की प्रॉब्लम हो, तो आपने इस मेडिसिन को 1-1 घंटे से रिपीट कीजिए। अगर आपके पेन में कमी आ गई है तो उसके बाद फिर आप इसको मेडिसिन को दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत होने पे 1-1 घंटे पे। और अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई हो तो इस मेडिसिन को दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, तो बहुत अच्छे और इसकी इफ़ेक्टिव रिजल्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि भी हम इस मेडिसिन की डोजेस के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया कि 30 अगर प्रोटेंसी की भी आप मेडिसिन यूज़ करेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे 1-1 घंटे पे लेंगे, नॉर्मल हो जाए उसके बाद आपने इसको दिन में 4 बार लेना है। अगर आप 200 की पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो 2-2 ड्रॉप्स आपने सिर्फ मॉर्निंग में लेना है, रोज डेली आपने 2-2 ड्रॉप्स लेनी है। और अगर आप 1 ml की यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप मेंटल सिम्टम्स आपके मिलते जुलते हैं तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं 2-2 ड्रॉप्स वीक में 1 बार, जैसे कि हर मंडे आपने इस मेडिसिन को देना है। और अपने टाइम सेट कर लेना है कि अगर आपने मॉर्निंग में ही दिया तो हर मंडे को आपने मॉर्निंग में ही इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्योंकि 1 ml की पोटेंसी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।